सो हे एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज जा रही हूँ मैं ये राजगढ़ शहर, मतलब राजगढ़ के मार्केट एक्सप्लोर करने। तो आज हम अपनी शादी के बच्चे को शॉपिंग पूरा करने फिर से तो यहाँ मैं निकल गई हूँ बाज़ार। और अभी मैं जो है मेरी शादी की शॉपिंग है, मैंने मतलब सोलन से एक ही ड्रेस ली है और बाकी मैं यहाँ से लूँगी अपनी शादी के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ 3 दिन की शादी होती है तो मुझे 3 ड्रेस चाहिए। हाँ, यहाँ पे है फैशन पॉइंट, हम यहाँ जाएंगे शॉपिंग के लिए। यहाँ पर कुछ अच्छा अच्छा कलेक्शन मुझे दिख रहा है। तो सबसे पहले जो मेरी नज़र है वो पड़ी इन दुपट्टास पे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे और इनका कलर और डिज़ाइन सब मतलब इतना अच्छा लग रहा था कि मेरी नज़र सबसे पहले इन पे ही गई। और मैंने इन निकाल के भी एक चेक किया कि मुझ पे कैसा लग रहा है, क्योंकि मैंने यहीं पे मतलब डिसाइड कर लिया कि ये दुपट्टा तो वाह, मतलब मैंने एक दिमाग में बिठा लिया कि ये किस ड्रेस के साथ लग सकता है और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, इसलिए सबसे पहले यही देखा। तो एंटर करते ही मैं गई सीधा लेडीज़ सेक्शन में, क्योंकि इनके पास यहाँ पे शॉर्ट्स वगैरह भी थी जेंट्स के लिए। तो यहाँ पे निकाला हुआ कुर्ता था ये प्रीटी सा, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा मतलब देखते ही, तो मेरा दिल इस पे आ ही गया है। मतलब इतना अच्छा लग रहा था ये, इतना प्यारा सोबर सा कुर्ता था और मतलब कलर भी इतना अच्छा और डिज़ाइन भी इसका इतना अच्छा था। बहुत सुंदर है, बट ये शादी के टाइप का तो नहीं है, बट तो मतलब वाव, इसको देख के मैं एकदम खुश हो गई। यार मुझे तो सब कुछ ही पसंद आ रहा है। आपकी अपनी गाड़ी है? ये हिमाचल का अलग सा यूनिक से स्टाइल, और यहाँ पे आपको अलग ही मतलब यूनिक तरह से ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ना ये जो है वो अलग से कलेक्शन लाई जाती है जिस तरह से हमारे हिमाचल में चलती है और हम लोग पसंद करते हैं, तो वहाँ से ये चूज़ करके लाई जाती है। यहाँ के लोगों को पता होता है कि यहाँ पे लोग कैसा पहनेंगे मल्टी कलर में। सो यहाँ पे ये जो ब्लैक कुर्ता है वो भी मुझे अच्छा लगा, क्योंकि इसका जो प्लाजो था वो कुछ यूनिक था। तो इनके पास जो भी स्टॉक आता है वो जल्दी से फिनिश हो जाता है, जैसे कि यहाँ इसमें अब कोई कलर नहीं बचा हुआ था, ओनली दिस वन। तो यहाँ इन्होंने काफ़ी सारी कलेक्शन रखी हुई थी, मतलब सब के लिए, किड्स, जेंट्स, लेडीज एंड ऑल। तो उसके बाद मैंने ये ट्राई किया थोड़ा सा ग्रीन, और बट इसमें क्या था कि ये थोड़ा शरारा टाइप था और इसको ऊपर इसका कुर्ता जो है मुझे बनवाना पड़ता, और मेरे पास बनवाने का टाइम नहीं है क्योंकि कल मुझे शादी में जाना है। तो ये मुझे अच्छा लग रहा था बट फिर ये मैंने चूज़ नहीं किया यहाँ पे, क्योंकि बनाना था। और उसके बाद निकला ये वाला, और ये वाला भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो हमारे हिमाचल में ना ज़्यादा जो है वो हमारे यहाँ पे थोड़ा सा ना मतलब सिंपल ही रहते हैं, चाहे शादी हो या कोई भी फंक्शन हो, इतना ज़्यादा जैसे मतलब लहंगे बहुत ज़्यादा चमक वाले वैसे वाले टाइप नहीं चलता, हमारे यहाँ सिंपल चलता है। और स्पेशली गर्ल्स, उनको बिल्कुल सिंपल रहना पड़ता है शादियों में, और उनको इतना ज़्यादा फैंसी पहनने की ज़रूरत भी नहीं होती है क्योंकि ऑलरेडी वो प्रीटी होती है। ओके, ये तो बिल्कुल सिंपल कुर्ता, और इसके साथ ही हैवी दुपट्टा, और इसके साथ ही बहुत ही सुंदर दुपट्टा, और ये इस पे
नाइस, सिंपल एंड सोबर एंड प्रीटी कलर, अच्छे अच्छे लग रहा है। यहाँ कुछ पार्टी वेयर भी है, इनके पास सब टाइप का कलेक्शन नहीं है। देखिए मैं जा रही हूँ, बाय। ये इसका सूट भी ले लेती हूँ। हाँ ये सुनो, ये ड्रेस कैसी लगेगी देखो। मेरा मन करा इसका दुपट्टा चोरी कर लूँ यहाँ से, सॉरी। इसकी कैप भी तो यहाँ पे ये कैप लग रही थी मुझ पे बहुत ही ज़्यादा सुंदर, और मैंने तो यहाँ प्लान बना दिया गोवा जाने का। तो मैंने बहुत ज़्यादा सारी ड्रेसेस ट्राई करके देखी मुझ पे कौन सी अच्छी लग रही है, सब मैंने यहाँ पे ट्राई करके देखा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ था ट्राई करने को। और यहाँ पे और भी बहुत सारे मुझे फंसी जाता और हियर इज माय फेवरेट पिंक कलर। तो ये देखो ये पिंक कैप मुझ पे कैसी लग रही है, मतलब मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। और मतलब क्या बोलूँ, मैंने और भी बहुत सारी ट्राई करी, क्योंकि जो चीज़ें मुझे पसंद आती है मैं वो ट्राई करती रहती हूँ, और फिर मैंने देखी सारी। ये है शहर का कुछ नज़ारा ऐसे, यहाँ पे और भी आपको ड्रेसेस मिल जाएंगी। ये देखिए मेरा दिल इस दुपट्टे पे आते हुए, यहाँ पे कितना सुंदर दुपट्टा है। मतलब आप किसी भी नॉर्मल सी वाइट ड्रेस ले लो एंड उसके ऊपर ये हैवी दुपट्टा, वाह। एंड ये देखिए और यहाँ पे आपको बच्चों के भी क्लोथ्स मिल जाएंगे, इनके पास हर टाइप की कलेक्शन है, शॉर्ट्स। थोड़ा बैक साइड भी चेक कर लेते हैं इनका, ओ माय गॉड। तो यहाँ देखिए मैंने कितने सारे जो है वो कपड़े ओपन करवाए अपने, दो तीन कपड़े सेलेक्ट करने के लिए। और ये थे कुछ सूट्स जो आपको सिलवाने पड़ेंगे, और ये भी काफ़ी अच्छे थे। और ये थे कुर्ताज जो कि बहुत ही अच्छे थे, बहुत प्यारे प्यारे कलर में थे और बहुत सारे थे। और इसमें भी मतलब मैंने चेक किया कोई कलर क्या मुझे पसंद आ रहा है। और ये देखिए ये एक कुर्ता है जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और हमारे पास है कुछ खाने के लिए, और ये है हमारे काफल जो कि हम इस सीज़न में हमारे जो पहाड़ों पे मिलते हैं, और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है। और जिनको इनके बारे में पता है उनके मुंह में तो इस टाइम पे पानी आ रहा होगा ये काफल देख के, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं और इनको खाने का जो मज़ा आता है। और ये देखिए ये जो इस डार्क कलर में होते हैं वो इतने ज़्यादा स्वीट होते हैं, इतना मीठा होता है मतलब ये, और मतलब वाओ खा के इसको मज़ा ही आ गया। मतलब जाते ही पहुंचते ही ये काफल भी हमें मिले वहाँ पे खाने को। तो ये देखिए फिर उसके बाद मैंने ट्राई किया ये जो दुपट्टास मुझे बाहर जो टंगे हुए थे मुझे काफ़ी पसंद आ रहे थे, फिर मैंने वो ट्राई किए। तो मैंने देखा कि मतलब मुझ पे मैं कौन सा ले सकती हूँ, मुझ पे कौन सा अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले मैंने ट्राई किया ये फर्स्ट वन, और ये फर्स्ट वन भी मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जो इसमें ये कलर था वो बहुत अच्छा था, रानी कलर। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी की है कि मतलब मेरा दिल इतना सब प्यारा, मैं आपको सब दिखाती हूँ जो मुझे सारे पसंद आ रहे हैं। और ये देखिए कितना सुंदर है ये वाला, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन सा लूँ। तो ये वाला देखिए फिर उसके बाद, ये देखिए वाह
एकदम पार्टी वेयर दुपट्टा, इसके साथ इवन अगर आप सिंपल सूट भी लोगे तो लगेगा कितना हैवी वाला आपने लिया है। और देन दिस वन, ये देखिए ये कितना ग्रेसफुल लग रहा है यार इसका डिज़ाइन। इसमें ये जो मिरर लगे हुए हैं, मिरर का वर्क है, वाह। इसकी जो ये बॉर्डर है ये भी बहुत प्रीटी है, ये अलग ही लुक दे रहा है। तो मैंने इस इतना ज़्यादा सोचने के बाद मतलब मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मैं ये वाला चूज़ करूँगी। तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं ये लूँगी फाइनली। तो ये बहुत सुंदर है, इसको भी आप थोड़ा, इसमें बहुत ज़्यादा मिरर वर्क है। तो और इसकी बॉर्डर, इसको जब मैं इसके साथ आपको फाइनल जो लुक दूंगी, जब मैं इसके साथ कुछ चूज करूंगी और कोई ड्रेस लूंगी तो उसके ऊपर मैं ये लगाऊंगी। तो ये है हमारी हिमाचल की शान, हमारी हिमाचल की टोपी, हिमाचली टोपी। और ये देखिए ये कितनी सुंदर लग रही है, इसमें मुझे हिमाचली फील आ रहा है यहाँ पे। और ये है हमारी ट्रेडिशनल टोपी, इसमें भी बहुत सारे डिज़ाइन आते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ओह ये तो छोटी है मेरे लिए। ये देखिए वन मोर डिज़ाइन, तो ये एक और आ गई यहाँ पे। तो फिर मैंने ये ब्लैक वाला जो कुर्ता है वो ट्राई किया और ये मुझ पे काफ़ी नहीं बहुत अच्छा लग रहा था और मैंने डिसाइड किया इसको लेने का। मतलब यहाँ पे इतने अच्छे कलेक्शन है ना कि मेरा मन कर रहा है कि सब कुछ खरीद डालूं, बट इतना तो नहीं खरीद सकती, बट फिर भी मैंने यहाँ पे बहुत कुछ खरीद लिया है। मुझे समझ नहीं आ रहा यार, मेरे को जो भी दिखाए जा रहे हैं वो पसंद आ रहा है क्योंकि कलेक्शन ही इनके पास इतनी अच्छी है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। मतलब इन्होंने थोड़ा यूनिक सी कलेक्शन रखी हुई है हर चीज़ की, कुछ भी उसमें देख लो, आप फ्रॉक देख लो या फिर कुर्ता पजामा या ये आपको पार्टी वेयर देख लो, इन्होंने बहुत ही यूनिक सी यहाँ पे वैराइटीज रखी हुई है। तो मैंने ये ले ही लिया क्योंकि मुझे ऐसे हिमाचल में हूँ तो यहाँ पे कुर्ता पजामा बहुत ही ज़्यादा चलते हैं तो मैं ऐसे कभी भी पहन सकती हूँ। और ये है मेरा फाइनल जो मैंने चूज़ किया है। और ये देखिए इसका इतना डिज़ाइनर जो इसकी बाजू है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा यार, इतना प्रीटी कलर है। मतलब मैं, ये मेरी इस टाइप के जो मेरे कलर्स और जो कपड़े होते हैं ना वो मेरी मतलब फर्स्ट लुक चॉइस होती है कि मैं वो एक बार देख के ही मुझे ये पसंद आ गया था, सबसे एंड में निकला बट सबसे पहले मुझे यही पसंद आया और सबसे ज़्यादा। तो ये मेरा फाइनल, और अब फाइनल लुक तो शादी में ही देखने को मिलेगा। तो ये भी मैंने एक डिसाइड कर लिया, सेकंड ड्रेस है ये भी फाइनल हो चुकी है। इतना ज़्यादा देखो, इतना ज़्यादा सब कुछ चेक करने के बाद फाइनली सिंपल से लेकर पार्टी वेयर तक फाइनली मेरा ये एक सेकंड वाला। सो मेरे दो फाइनल हो चुके हैं, एक जो मैंने आपको ये दिखाया था दिस वन एंड सेकंड दिस वन। सो अब आपको मेरा फाइनल जो लुक है वो शादी में देखने को मिलेगा। तो ये हमारी शॉपिंग हो चुकी है डन फैशन पॉइंट से, तो ये देखिए आज हमने कितनी सारी शॉपिंग की और मजा आया शॉपिंग करके यहाँ।